नमस्कार, मैं हूं बिमल सिंह। आज की ये खास खबर उन लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है जो किसी भी तरह के न्यूज पोर्टल और न्यूज वेबसाइट या डिजिटल मीडिया का संचालन करते हैं। अब केंद्र सरकार डिजिटल मीडिया को भी आरएनआई के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है। अभी डिजिटल मीडिया किसी भी संस्था के अंतर्गत पंजीकृत नहीं होता है। केंद्र सरकार अपने 150 साल पुराने प्रेस और पुस्तक पंजीकरण पीआरबी अधिनियम 1867 में बदलाव लाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत अखबारों, पत्रिकाओं और किताबों का पंजीकरण किया जाता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इसकी जगह पर प्रेस और पत्रिका पंजीकरण आरपीपी विधेयक 2019 का मसौदा तैयार किया है। प्रेस एवं पत्रिका पंजीकरण आरपीपी विधेयक 2019 के मसौदे में डिजिटल मीडिया को लाने की तैयारी की जा रही है। मसौदा विधेयक का भाग 8 डिजिटल मीडिया से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि डिजिटल मीडिया पर समाचारों के प्रकाशक खुद को आरएनआई के साथ पंजीकृत करेंगे, जिससे उनकी जवाबदेही तय की जाएगी। 25 नवंबर को सार्वजनिक किए गए इस मसौदा विधेयक पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय सभी पक्षों से एक महीने के अंदर उनके सुझाव मांगे हैं। मसौदा विधेयक में उन्हीं लोगों को प्रकाशन का अधिकार दिया गया है जिन्हें आतंकवादी अधिनियम या गैरकानूनी गतिविधि से जुड़े अपराध या राज्य की सुरक्षा के खिलाफ कुछ भी करने के लिए किसी भी अदालत द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है। मीडिया का एक धड़ा इसे स्वतंत्र मीडिया पर प्रहार मान रहा है। वहीं एक पक्ष का मानना है कि इस विधेयक से भ्रम और झूठ फैलाने वाली खबरों के प्रकाशन पर लगाम लगेगी, साथ ही डिजिटल मीडिया की जवाबदेही भी तय होगी।